बेटियों के नारे की मंशा को अमरोहा की तीन बेटियां बखूबी साकार कर रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री के पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां के नारे की मंशा को अमरोहा की तीन बेटियां बखूबी साकार कर रही हैं। अमरोहा के फतेहपुर जिवाई गांव की तीन बेटियों ने पढ़ाई के साथ साथ अपने गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का बीड़ा भी उठा लिया है। यह तीनों बेटियां पिछले तीन वर्षों से इस सराहनीय और नेक काम को अंजाम दे रही हैं। शीतल, प्रियंका और शिक्षा नाम की तीनों बेटियां जोया स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीएससी दूसरे वर्ष की छात्रा हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह गांव के बच्चों का भविष्य संवारने में लगी हुई हैं। तीनों बेटियां शाम को दो घंटे कक्षाएं लगाती हैं और गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हैं। क्वेश्चन से देखने से पता चला था कि बच्चे थोड़े मतलब सही लेवल पर नहीं आ रहे हैं पढ़ाई के साथ अपने। इससे बाहर से हमारे जो एसडीएम सर आते हैं गंभीर सिंह, उन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाएं आप, उससे आपकी भी एजुकेशन अच्छी होगी और बच्चे भी साथ में आगे बढ़ेंगे। इसी से पता चला हमें कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। इसी के साथ हमने अपनी पढ़ाई भी की और बच्चों को भी पढ़ाया और मतलब काफ़ी सारे बच्चों का टेस्ट वगैरह भी करते लेते थे, जिससे पता चलता था बच्चे कुछ सुधार कर भी रहे हैं या नहीं। बड़ी तादाद में गाँव के बच्चे इन बेटियों से पढ़ने आते हैं। इन लड़कियों का कहना है कि बच्चों को वह पूरी लगन से पढ़ाती हैं और इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें बहुत बेनिफिट होता है इससे। और हम बच्चों को मैथ ज़्यादातर पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सभी बच्चों को जो देखने के लिए मिलता है हमें, उससे ज़्यादा नॉलेज होती है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पहले के बच्चों को इकट्ठा किया, जिससे मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें टेस्ट में मैंने पाया कि बच्चों को स्कूल से अलग एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मैंने एक 15 से 20 बच्चों की टीम बनाई, जिसमें कि वो 8th, 9th और 10th के बच्चे शामिल थे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और केमिस्ट्री था, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस करा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे किया है। बस यही कहना चाहूँगी कि हमें दीदी पढ़ाती हैं, बहुत काफ़ी दिनों से पढ़ाती हैं और हमें इनसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हमें इनसे पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होती है और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं। और एक्चुअली क्या कहते हैं, खुद भी पढ़ती हैं और कोचिंग वगैरह भी जाती हैं, फिर भी हमें टाइम दे पाती हैं पढ़ाने का। 3 साल हो गए जो गाँव के बच्चों को पढ़ा रही हैं और खुद भी पढ़ती हैं। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि बच्चों ने मेहनत करके इतना आगे बढ़ी और उसके बाद जो है कोशिश करते हैं गांव के भी बच्चियां आगे बढ़े। ठीक है सर, दोबारा तो नहीं समझाने की जरूरत है और A+B का होशियार भी। वही गांव के सभी लोग इन बेटियों की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे। गांव के अधिकतर बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे में तीनों बेटियाँ सभी बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को तीनों बेटियां हकीकत में जमीनी स्तर पर उतार रही हैं। हर जगह तीनों बेटियों की वाहवाही हो रही है। अमरोहा से के न्यूज के लिए माजिद खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। दीपावली के बाद दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण